एनसीईआरटी बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर टू कंपोनेंट ऑफ फूड क्लास सिक्स। इसका क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। और ऐसा आपने कीवर्ड में भी देखा था, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ये नीचे वाली लाइन लिखने की कोई आवश्यकता उतनी नहीं है, लेकिन आप लिख भी सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू है, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो ये इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हो जाएगा, ठीक है, पहले के आंसर में टू का ए में। न्यूट्रिएंट्स दैट नीड आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो प्रोटीन हो जाएगा। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, अच्छी रोशनी के लिए जो विटामिन चाहिए होता है वो विटामिन ए है। डी नंबर है तुम्हारा कि मिनरल्स, ए मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्थी, तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम टू फूड्स इच रिच इन फैट्स। फैट्स किन में पाया जाता है, तो घी, बटर, मिल्क, एग, मीट, ये सब चीज़ों में आपका फैट्स पाया जाता है। स्टार्च, स्टार्च हो गया पोटैटो, शुगर, राइस, ईटीसी, है ना। डाइट्री फाइबर्स होते हैं वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, ईटीसी। और प्रोटीन आपके पाए जाते हैं मिल्क, बीन, मीट, चीज़, एग, ईटीसी, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, जो टिक आउट करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, बाय ईटिंग राइस अलोन वी फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, ये फॉल्स हो जाएगा। कल चावल खाएंगे तो हमारे शरीर का न्यूट्रिशन पूरा होगा, ऐसा बात नहीं है। बी नंबर है, डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, ये ट्रू है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम, ये ट्रू है। मीट अलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी, ये फॉल्स हो जाएगा। मीट ही खाने से हम लोग शरीर का पूरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज कॉज बाई डिफिशियंसी डिजीज, तो डिफिशियंसी डिजीज आपका कौन सा है, विटामिन डी के चलते हैं, तो इसमें रिकेट्स हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉज डिजीज नॉन एज वेरी वेरी, तो विटामिन बी हो जाएगा, ठीक है, बी वन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज्ड डिजीज नॉन एज स्कर्वी, और नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। इससे आपका क्वेश्चन आंसर इसका हो गया। अगला वीडियो आपका बनेगा वह केमिस्ट्री का बनेगा, जो आपका सॉर्टिंग मटेरियल इंटू ग्रुप्स करके आपका जो चैप्टर थर्ड होता है उसका बनेगा। आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।